जितना भी अपने से बन सकता था अपने पितरों के तृप्ति के लिए तर्पण श्राद्ध इत्यादि किए और ब्राह्मणों को बहुत सारे स्वर्ण और सोने के लोटों में तिल भर करके पहाड़ जैसे ब्राह्मणों को दान किए कि गोप्या सुनिष्ट मणि कुंडल निष्कंठा चित्रांबरा पति सिकाश्चुत माल्य वर्षा नंदालयं सबलया व्रजतिर्व्रजो व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। मेरे भगवान के हार की शोभा इतने सुंदर, भगवान के जितने आज सब ब्रज में जैसे ही क्या यह पता चला कि ब्रज में नंद के यहाँ एक लाला प्रकट हुआ भयो है, उसी प्रकार सारी गोपियां एकाएक सब नंद भवन की ओर आने लगी। आज तो ब्रज में वहां गोकुल में इतनी धूमधाम, सबके मुख जो है खिलने लगे, सब दौड़ने लगे, अरे यशोदा को लाला भयो, यशोदा को लाला भयो। अब माताएं सारी गोपियां अपना श्रृंगार करने लगी, श्रृंगार भी जानते हो कैसा, क्योंकि बहुत पीड़ा थी, इतना वैभव था, 2 लाख जो है गायें माता यशोदा के उस भवन में, भवन इतना दिव्य लेकिन घर में बालक नहीं था। अब बुढ़ापे में बालक हुआ तो सब गोकुल वासियों को इतनी खुशी हुई, अपने अपने विवाह के सारे लहंगे निकलने लगे, सब सज धजने लगे। आज तो यशोदा के घर में लाला हुआ। एक मैया ने देखा, मैया थोड़ा वृद्ध थी, अब मैया ने देखा कि सारी सज धज के जा रही हैं, तो मैं क्यों ना जाऊं, मैया की उम्र थी 90 बरस की, कि मैं भी क्यों ना जाऊं जरा देखने यशोदा के लाला को। आज अपने विवाह का वो जोड़ा उस मैया ने भी निकाला लहंगा, और लहंगा पहन करके जैसे ही श्रृंगार दान निकाला तो श्रृंगार दान एक एक करके अपना मेकअप करने लगी 90 बरस की मैया लाला के जन्म की खुशी में, लेकिन भूल गई कि कैसे लगाना है, क्योंकि धीरे धीरे उम्र जब बढ़ती है तो याददाश्त भी कम होने लगती है। अब तो होंठों में लगाने वाला माता ने आंखों में लगा दिया और आंखों वाला जो है होंठों में लगा दिया, इतना दिव्य श्रृंगार। दौड़ी दौड़ी भागी भागी जा रही थी, अरे मुझे भी क्या दर्शन होंगे वो लाला के, मुझे भी दर्शन होंगे। तब तक वहां तो माखन के गोले बना बना करके जो एक दूसरे पे फेंक रहे हैं, इतना उत्सव मन रहा। माता जब जाने लगी, जैसे ही कहने लगी कि ऐसे बोल रही थी कि अरे मुझे आगे जाने दो, आके ले जैसे ही मुख खोला कि दूर से एक इतना बड़ा क्या माखन का गोला आकर के किसी ने फेंका, तो वो जाकर के मैया के मुख में दांत तो थे नहीं, तो जैसे ही आ किया तो सारा माखन का पूरा गोला माँ के मुख से होता हुआ पेट में, क्यों दांत होते तो रुकता, दांत नहीं थे मैया के, इसलिए पूरा माखन का गोला ही अंदर चला। इतना दिव्य आनंद भगवान के। तो भगवान कैसे जो है अपने लीलाएं करते हैं ये सब आप सुनिए। तिरुगनिया बड़ बिगड़ो मैये ते समझो जरा, निद्रे पे मार पड़े मैये ते समझो जरा, तिरुगनिया बड़ बिगड़ो मैये ते समझो जरा। Get out!
करती हुई बहती है वृंदावनम गोवर्धनम यमुना कुलिना नीच। तो ऐसी जगह पर हम क्यों ना जाएं जहां पर हमारे गोविंद को कोई भी खतरा ना हो। तो सारे के सारे गोकुलवासी आज वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। वृंदावन में जाकर मेरे भगवान सुंदर आज बच्चा चरण के लिए यानी बछड़ों को चराने जाते हैं। यहाँ पर जब बछड़ों को चराने जाते हैं तो अगासुर नाम का दैत्य आकर के मेरे भगवान को जो है मारने का प्रयत्न करता है, लेकिन आखिर में भगवान ही उसे मृत्यु दे देते हैं। अघासुर कौन है जो भगवान की कथा में जमाई लेने लग जाता है, आलकस करने लग जाता है, मुड़ने लग जाता है, तो समझ लो अघासुर का प्रवेश है उसके। अघ अघ मतलब बिल्कुल अपने शरीर को अपने नियंत्रण में रखना और एक दूसरे से बातें करने लग जाना, ये अघासुर। अगासुर समझो कि उसके हृदय में अगासुर आकर के बस जाता है, भगवान की कथा से विचलन होकर के आपस में ही बातें भी करने लग जाए। तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि इसको शुद्ध बनाने के लिए क्या है, ये अगासुर भाग जाए। बोले इसको शुद्ध बनाने के लिए भी है ना एक दवाई। बोले अपने मन को निर्मल बना दो, और निर्मल जब मन बन जाए तो मेरे प्रभु आए बगैर नहीं रह सकते हैं। अगासुर का पद कैसे, जब उसका मन निर्मल हो गया। बाबा तुलसीदास के शब्द कि निर्मल मन जो सो मोही पावा, निर्मल मन जो सो मोही पावा, निर्मल
है, यह कोशिश करनी चाहिए कि अगासुर हमारे जीवन में प्रवेश न कर सके। अगासुर ने क्या किया, एक अपना अजगर का उसने जो है एक मुख का एक हिस्सा पृथ्वी में लगा दिया और दूसरा खोल करके आकाश में लगा दिया और बहुत लंबी जीभ जो है बाहर निकाल दी। अब सारे ग्वाल बाल जैसे ही आते हैं ना, बोले भैया इतनी सुंदर गुफा तो हमने कहीं नहीं देखी आज तक। जैसे उसके दांत है ना, तो दांत भी जो है अगासुर के ऐसे मुड़े हुए दांत है। सारे के सारे ग्वाल बाल जाकर के आज अगासुर के उस मुख में प्रवेश कर गए। गोविंद ने कहा अरे रुक जाओ। बोले क्यों रुके, जब हमारे साथ जो है तेरे जैसा हमारा संगा साथी है तो हम क्यों रुके। लेकिन अगासुर जो है कभी आंख खोलता और कभी आंख बंद कर देता। आंख इसलिए खोलता कि ये कनवा कब मेरे मुंह में आए और मैं कब इसको जो है काल का ग्रास बना डालूं। लेकिन कनवा तो गया नहीं, कनवा के सारे ग्वाल बाल आज उस अगासुर के मुख में जाकर के। अब भगवान ने सोचा कि इनके तो इसके विष के कारण इनका प्राण अंत हो जाएगा, तो भगवान ने आज जैसे ही अगासुर के मुख में प्रवेश किया वैसे ही जो है अपना शरीर मेरे प्रभु ने जो है पर्वताकार बना दिया और ठीक उसके गले में जा करके उसका मुंह वैसी का वैसी रख करके पूरी श्वास उसके वही रोक करके आज इसका भी जो है गोविंदाय नमो नमः। Thank you.